वेलकम टू मूवी आइलैंड। मूवी के स्टार्टिंग में हमें लंदन के एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम क्वीन है। वो अपनी मॉम के पास जाता है और एक साइट पर खुदाई कर रही होती है। वो एक इंजीनियर है और इस प्रोजेक्ट की हेड है। अब माँ बेटी के बीच में किसी सिलसिले में बात हो रही होती है कि तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और बताता है कि नंबर 4 में कुछ खराबी आ गई है, जिसके बाद क्वीन की मॉम वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ एक और वर्कर अभी यहाँ पर ड्रिल कर रहा होता है। वो क्वीन की मॉम को बुरा भला बोल रहा होता है, तो क्वीन कहता है कि अगर तुमसे कोई काम अच्छे से नहीं होता तो तुम दूसरों को कोस क्यों रहे हो। तो वर्कर बताता है कि अंदर कुछ अजीब है, अगर नहीं विश्वास तो तुम खुद जाकर देख लो। जिसके बाद क्वीन भी उससे टॉर्च लेकर उस सुरंग के अंदर चले जाता है। अब अंदर जाते ही क्वीन को एक अलग सा दीवार मिलता है। वो उसे छूकर देखता है। छूते ही वहाँ पीछे से आग जलने लगता है, जिसके बाद क्वीन एक ड्रैगन को देखता है। मतलब जिस सरफेस को वो दीवार समझ रहा था वो एक ड्रैगन था। अब क्वीन भी उसे देखकर डर जाता है। ड्रैगन क्वीन के मुंह पर अपना सलाइवा फेंक देता है, जिसके बाद वो बाहर अपनी मॉम के पास जाता है और उनको डरते हुए बताता है कि मैंने उस सुरंग में कुछ बहुत अजीब देखा। सलाइवा के कारण क्वीन के आंखों पर इन्फेक्शन हो गया था, इसीलिए उसकी मॉम उसे सबसे पहले बाहर लेकर जाने लगती है। जिसके बाद वो दोनों वर्कर्स क्वीन की बात ना मानते हुए उस सुरंग में जांच करने के लिए चले जाते हैं, जिसके बाद वो ड्रैगन इन दोनों पर अपने आग से हमला कर देता है और उन्हें मार डालता है। क्वीन और उसकी माँ अब इस टनल से ऊपर की ओर लिफ्ट की हेल्प से बाहर जाने लगते हैं, पर ड्रैगन उन्हें भी अपने आग की चपेट में ले लेता है और लिफ्ट पर हमला कर देता है। जिसके बाद क्वीन तो बच जाता है पर उसकी मॉम की वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि यहाँ सिर्फ एक ही ड्रैगन नहीं था बल्कि ड्रैगन की संख्या बहुत ज्यादा थी। जिसके बाद दुनिया के हर कोने में ड्रैगन ने अपने आग के प्रकोप से धरती पर इंसानों को नष्ट कर दिया। कहा जाता है कि इसी आग उगलने वाली प्रजाति ने डायनासोर्स की दुनिया को खत्म कर दिया। इंसानों ने इन्हें मिसाइलों से खत्म करने की कोशिश करी पर इसका उल्टा हुआ। मिसाइलों की वजह से सारी दुनिया के कई हिस्सों में रेडिएशन आ गया पर इन डायनासोर्स पर कुछ असर नहीं हुआ। इनकी इंसानी भूख इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि धरती का पॉपुलेशन लगभग शून्य तक पहुंच गया था। जिसके बाद ये डायनासोर्स लंबे समय के लिए धरती के नीचे सो रहे थे और एक नए युग का इंतजार कर रहे थे ताकि उन्हें भी अपने आग के लपटों में ले सके। और अब ये डायनासोर जाग चुके हैं और फिर एक बार दुनिया के हर हिस्से में अपने लपटों की तबाही से मचा रहे हैं। अब हमें क्वीन को दिखाया जाता है जो कि बहुत बड़ा हो चुका है। अब वो दूसरे कई लोगों के साथ रहता है, शहर से बहुत दूर एक किले में रहता है और वो इन सब लोगों का हेड है। सब लोग उसकी बात मानते हैं। लंदन के बाकी इलाके और बाकी बड़े शहर अब तबाह हो चुके हैं और बाकी बचे हुए लोग ऐसे ही जगहों में ड्रैगन से बचकर रहते हैं। इन सबको बाहर खुले में जाने की इजाजत नहीं है। ये बस तभी बाहर जा सकते हैं जब इन्हें खेत जाना हो। अब ऐसे ही क्वीन को पता लगता है कि उनके साथ रहने वाला एडी वहाँ से बाहर जाना चाहता है। क्वीन उसे ऐसा करने से मना करता है पर एडी कहता है कि मैं अपने पत्नी और बच्चे के जैसे इन लोगों को भूखा नहीं मरने दूंगा, मैं खेत जा रहा हूँ फसल लेने। तो क्वीन कहता है कि फसल अभी अच्छे से पकी नहीं है, अगर फिर भी तुम ऐसा करोगे तो अगली बार फसल उगाने में हमें बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पर एडी तो जिद पकड़ कर बैठ गया था, इसलिए जीप की चाबी क्वीन से चुरा कर खेत के लिए निकल जाता है। अब वो खेत में पहुँच कर सारी सब्जियाँ और फल तोड़ रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर ड्रैगन पहुँच जाता है और पूरे खेत के साथ साथ उन लोगों पर भी हमला करने लगता है और इसी हमले में ड्रैगन उनमें से एक आदमी को मार देता है। अब इन सब की खबर क्वीन और बाकी लोगों को पड़ती है जो कि किले में है। अब क्वीन यहाँ जाना तो नहीं चाहता क्योंकि एडी ने उसकी बात नहीं सुनी थी, पर वो यहाँ का मुखिया है इसीलिए वो उन्हें बचाने पहुँच जाता है। यहाँ खेत में सब फंसे लोगों को लग रहा होता है कि वो अब नहीं बचेंगे, पर वहाँ आग के बीच क्वीन की एंट्री होती है जिसे देखकर उन्हें थोड़ी तसल्ली होती है कि वो बच सकते हैं। पर इसी बीच ड्रैगन उनमें से एक लड़के को मार देता है, लेकिन क्वीन बाकी सबको वैन में बिठाकर सही सलामत वापस किले में ले आता है। अब क्वीन उस लड़के के लिए बहुत ज्यादा दुखी था पर उसे गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि ये सब गलती एडी की है जिसकी उसके सजा मिली उसके बेटे की मौत से। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक टुकड़ी उनके किले की तरफ बढ़ रही है जिसमें कुछ जीप टैंक और एक हेलीकॉप्टर भी शामिल है। अब इस काफिले में से एक आदमी निकलता है जो कहता है कि मुझे तुम्हारे लीडर से मिलना है। जिसके बाद क्वीन उसके पास जाता है। इस आदमी का नाम वेंजन है। वो क्वीन को बताता है कि हम ड्रैगन हंटर्स है यानी हम ड्रैगन्स का शिकार करते हैं और आखिरी बार जब हमने ड्रैगन्स का सामना किया था तो उस वक्त मेरे बहुत सारे साथी मारे गए थे और बहुत सारे हथियार खराब हो गए हैं, इसीलिए हथियार ठीक करने के लिए हमें तुम्हारे किले में पनाह चाहिए।
अब क्वीन को उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा होता, इसीलिए वेंजन अपने गले में लटकाए हुए ड्रैगन का दांत दिखाता है जो उसने ड्रैगन को मारकर उसके मुंह में से तोड़ा था। अब क्वीन को थोड़ा उस पर विश्वास हो जाता है, जिसके बाद क्वीन उसको अपने किले में रहने के लिए इजाजत दे देता है। इसी ग्रुप में एक लड़की भी है जिसका नाम एलेक्स है, वो इस ग्रुप की पायलट है। अब क्वीन के साथी उससे पूछते हैं कि तुम ड्रैगन का हंट कैसे करते हो, तो एलेक्स बताती है कि हम हवा में ड्रैगन का शिकार करते हैं। पहले हम में से कोई उसका चारा बनता है, जिसके बाद हम उसे अपनी जाल में पकड़ लेते हैं। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि सभी को सूचित करने वाले अलार्म द्वारा सूचित किया जाता है कि ड्रैगन ने उन पर हमला किया है, जिसके बाद उनके सभी साथी और वेंजन के सभी लोग ड्रैगन को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब सब अपने अपने हथियार लेकर ड्रैगन को मारने के लिए निकल जाते हैं। अब वेंजन के तीन लोग अपने बाइक में एक मिशन के लिए निकल जाते हैं। उनका मिशन ये था कि उन्हें तीन मशीन अलग अलग दिशाओं में लगाना था, वो भी इस तरह की वो एक ट्राइंगल के आकार में ले आए। अब ये मशीन यहाँ इसलिए लगाया गया था क्योंकि उन्हें लगता था कि इस जगह पर ड्रैगन जरूर आएगा। अब जब तक ये मशीन सही जगह पर सही तरीके से नहीं लगाए गए तो उनका प्लान कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये मशीन ड्रैगन की पोजीशन की जानकारी वेंजन की टीम को देगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि दो मेंबर्स ने वो मशीन तो लगा दिए हैं, पर वो तीसरा मेंबर उस मशीन को नहीं लगा पाता क्योंकि उसके गिरने से मौके पर ही मौत हो जाती है। अब वेंजन उस मेंबर से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। अब इतने में वहां पर क्वीन पहुंच जाता है और उस वॉकी टोकी से वेंजन को बताता है कि उसका मेंबर मर चुका है, जिसके बाद वेंजन क्वीन को जल्दी से बताता है कि वो मशीन कहां लगाना है, जिसके बाद क्वीन उस मशीन को उसकी सही जगह पर लगा देता है, जिसके बाद सारे मशीन सही से काम करने लगते हैं। उधर दूसरी तरफ एलेक्स और उसके बाकी साथी हेलीकॉप्टर में तैयार बैठे थे और वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, जिसमें उनमें से एक मेंबर सबसे पहले कूदेगा, जिसके बाद ड्रैगन उसका पीछा करेगा, और जब वो ड्रैगन उसका पीछा कर रहा होगा तो पीछे से दो मेंबर और कूदेंगे ताकि वो पीछे से ड्रैगन पर जाला फेंक सके। और वो उस ड्रैगन पर जाल फेंक भी देते हैं, पर वो ड्रैगन इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वो जाल को तोड़ देता है और वापस उन्हीं दोनों आदमियों में से एक को अपना खाना बना लेता है, और दूसरा आदमी की जमीन पर गिरने से मौत हो जाती है। अब वो वेंजन ड्रैगन को पकड़ने में देरी नहीं करना चाहता था, इसीलिए पहाड़ पर बैठे क्वीन को जल्दी से वहां से नीचे आने को कहता है ताकि वो ड्रैगन को लालच लाकर खुद की तरफ यानी वेंजन की तरफ लेके आ सके, और क्वीन बिल्कुल वैसा ही करता है, जिसके बाद वेंजन क्वीन के पीछे आ रहे ड्रैगन को मार देता है। अब क्वीन के सभी साथी बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और जश्न भी मना रहे होते हैं, पर वेंजन बहुत ज्यादा दुखी था क्योंकि ड्रैगन को पकड़ने के चक्कर में उसके दो साथियों ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी और वेंजन के पास बाकी ड्रैगन को मारने के लिए कोई टीम भी नहीं बची थी। अब यहाँ वेंजन क्वीन को एक और सच बताता है, वो बताते लगता है कि हमने इतने सालों में ये रिसर्च करके जानकारी इकट्ठा करी है कि हमने अभी तक जितने भी ड्रैगन्स को मारा है वो सभी फीमेल ड्रैगन्स थे, और हम यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही मेल ड्रैगन है जो कि यहाँ लंदन में है, जिसका मतलब पूरी दुनिया के ड्रैगन को खत्म करने के लिए हमें उस मेल ड्रैगन को खत्म करना होगा, और साथ ही मेल ड्रैगन के खत्म करने के बाद और ड्रैगन्स पैदा नहीं हो पाएंगे। वेंजन यहाँ क्वीन को अपना प्लान इसलिए बता रहा था क्योंकि वो अपने साथियों की कुर्बानी को जाया नहीं जाने देना चाहता था, और वो चाहता है कि क्वीन और उसके साथी उसकी टीम में शामिल हो और ड्रैगन को मारने की इस जंग में उनका साथ दें। पर क्वीन ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे अपने करीबियों की मौत होते हुए देखी है और अब मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि बाकी बचे हुए लोग ड्रैगन को मारने के चक्कर में अपनी जान गंवा दें। अब क्वीन तो उसकी बात मान नहीं रहा था, इसलिए वेंजन खुद ही उनके लोगों के पास जाकर उन्हें अपनी ओर करने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर हम इस ड्रैगन को मारने के मिशन में कामयाब हो गए तो हम फिर से खुले आसमान में जी पाएंगे। पर जैसे ही क्वीन को ये पता चलता है कि वेंजन उनके लोगों को भड़का रहा है तो वो गुस्से में आकर वेंजन को मारने लगता है, जिसके बाद वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। अब रात को एक ड्रैगन आता है और क्वीन के किले में हमला कर देता है। वेंजन और उसके साथी उस ड्रैगन को मारने की नाकाम कोशिश करते हैं, पर यहां इस ड्रैगन को मारना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था क्योंकि वो वही ड्रैगन है जिसे मारने की वो प्लानिंग कर रहे थे, यानी वो मेल ड्रैगन है। जिसके बाद क्वीन सभी बचे हुए लोगों को और बच्चों को लेकर बंकर में छुप जाता है, जिसके काफी देर बाद ड्रैगन वहां से चले जाता है। अब वेंजन और क्वीन दोनों आपस में समझ चुके थे कि अगर वो ड्रैगन को खत्म करना चाहते हैं तो पहले उन्हें आपस में मिलकर काम करना होगा। इसीलिए अगली सुबह जब वेंजन ड्रैगन को मारने के लिए वहां से निकल रहा होता है, अब क्वीन भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि सिर्फ क्वीन ही था जिसको ये पता था कि मेल ड्रैगन कहां है, जो कि मूवी की स्टार्टिंग में हमें बचपन को क्वीन को दिखाया गया था और जिसने उसकी मॉम को मारा था वो वही ड्रैगन था। अब क्वीन को अंदाजा लगा लेता है कि वो मेल ड्रैगन अभी भी उन्हीं सुरंगों में रहता है
है, जिसके बाद वो सब शहर पहुंच जाते हैं जहां वो देखते हैं कि पूरा शहर अब खंडर बन चुका है और वहां सारे डायनासोर अपना अड्डा बना चुके हैं। जिसके बाद वहां से सारे फीमेल ड्रैगन अपना शिकार करने के लिए चले जाते हैं, मतलब उनके लिए उस मेल ड्रैगन को मारने का यही सही मौका है। जिसके बाद वो तीनों जल्दी से इस टनल तक पहुंच जाते हैं जहां वो सुरंग है जिसमें मेल ड्रैगन रहता है। अब यहां वेंजन के पास एक प्लान रेडी था। वो दोनों को बताता है कि जैसे ही वो ड्रैगन आग फेंकने के लिए अपना मुंह खोलेगा, मैं उस पर ये खतरनाक बॉम्ब से लैस ये तीर चला दूंगा। जिसके बाद वो लोग उस सुरंग के ऊपर आ जाते हैं। अब यहां ड्रैगन को महसूस हो चुका था कि ये तीनों यहां पहुंच चुके हैं, जिसके बाद वो तीनों अलग अलग हो जाते हैं और वेंजन एक ऊंचे से टावर पर चढ़ जाता है। जिसके बाद वो ड्रैगन वेंजन को देख लेता है और उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। वेंजन भी अपने तीर को लेकर रेडी तैयार खड़ा होता है। वेंजन तीर आराम से छोड़ देता है और वहां ब्लास्ट भी होता है, पर उस ड्रैगन पर कोई असर नहीं होता। जिसके बाद ड्रैगन वापस आकर वेंजन को दबोच लेता है। जिसके बाद अब सब कुछ क्वीन के हाथों में था, इसीलिए क्वीन अपने तीर को सेट करता है और उस ड्रैगन के सामने खड़ा हो जाता है। और जैसे ही ड्रैगन उस पर आग फेंकने के लिए अपना मुंह खोलता है, क्वीन उस पर बॉम्ब वाला तीर चला देता है और उस तीर के आगे उस लगे खतरनाक बॉम्ब के कारण वहां एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसका मतलब ड्रैगन अब मारा जा चुका है। जिसके बाद हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहां क्वीन और एलक आपस में बात कर रहे हैं कि 3 महीने हो चुके हैं और अभी तक हमें दूसरा कोई ड्रैगन नहीं दिखाई दिया है, और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को देखने के लिए स्क्रीन पर दिए गए वीडियो को क्लिक कर उन वीडियो को भी इंजॉय करें।